नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब के यूट्यूब चैनल में। मैं सैंकी सर फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के पास मेरा सेगमेंट जिसका नाम है सफल छात्रों से एक मुलाकात। जी हां, इस बार फिर मैं एक छात्र को आपके पास लेके आया हूं और उसकी जर्नी के बारे में आप उनसे जानोगे। हालांकि इनका जॉब बहुत दिन पहले हो चुका था, लेकिन ये अक्सर हमारे यहाँ मिलने आते हैं। हमारे यहाँ, जैसे मैंने इससे पिछले वीडियो में कहा था कि स्टूडेंट्स और टीचर का हमारे बीच में सिर्फ एक स्टूडेंट्स और टीचर का ही रिश्ता नहीं, एक परिवार की तरह बन जाता है। और जब भी हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर बाहर पोस्टेड है या कुछ लाइफ में अचीव करते हैं तो हमारे पास वो जरूर आते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास हमारी एक भूतपूर्व स्टूडेंट हमसे मिलने आई है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो आप लोगों के पास शेयर करेगी। तो देरी ना करते हुए बहुत जल्द मैं उनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देरी ना करते हुए चलिए उनसे मिलते हैं। मेरा नाम मोनिका है। हम 2020 में जॉब लिए कैनरा बैंक एज ए पीओ। अभी हम पोस्टेड रीजनल ऑफिस में। और जहाँ तक जर्नी का बात है, हम चार दोस्त एक साथ स्टार्ट किए थे कॉम्पिटिशन का, उन चारों में सबसे लेट मुझे जॉब मिला है। बाकी तीन लोगों को बहुत जल्दी मिल गया था। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये चीज़ें हैं कि जितना दिन तक आप जब तक मेहनत करते रहते हो, जब तक छोड़ते नहीं हो, तो कुछ ना कुछ आप अचीव जरूर करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग कभी मेहनत छोड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, मोनिका जी ने एक बात कहा कि इनका इनका एक जर्नी रहा हुआ है। ये लोग चार दोस्त आए थे यहाँ पर और वो चारों का जॉब लग गया। किस तरह लगा, किस हालात में लगा और इनका नंबर कैसे आया, ये सारा डिटेल में जो जानकारी है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप मोनिका जरूर बताएं कि वो हम चार का कहानी क्या रहा और आप कितना समय लगा आपको नौकरी तक पाने में, क्या आपका मनोस्थिति कैसा था जब आपको चारों के बीच में आपका डिले हो रहा था, वो सारा एक डिटेल में आप अगर हमारे दर्शकों को बताते तो अच्छा लगता। 2015 में हमारी ग्रेजुएशन हुई चारों के चारों। हम लोग एक साथ कॉम्पिटिशन स्टार्ट किए। दो फ्रेंड्स चांदनी एंड स्नेहा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी निकल गई। फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि पहले तो कैजुअल रहते हैं इनिशियली, जब हम तैयारी करते हैं तो ठीक है हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। बट जब दो लोग आपके ग्रुप से निकाल देते हैं ना कॉम्पिटिशन, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है, और ये थ्री इयर्स की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोस्त अगर आगे जाए बहुत पेन होता है। मुझे भी वही पेन हुआ। फिर भी मैं रिलैक्स थी, चलो कोई बात नहीं, एक है जो मेरे साथ है। बट फिर वो एक साल प्रिपरेशन करने के बाद उनकी भी जॉब लग गई, तो लिटरली मैं एकदम अकेले, मतलब तीन चार में से तीन को जॉब लगे, वो जो सिचुएशन होती है ना लाइक हेल होती है। उतना टाइम पे आप मतलब सफ़र इतना ज़्यादा कर लेते हो कि मतलब लगता है कि अब कुछ भी नहीं ज़िंदगी में। तो मेरे पास ये था कि या तो मैं छोड़ दूँ क्योंकि तीन की हो चुकी है, या तो मैं लगूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने निगेटिव रिव्यू, मतलब लाइक आई वॉज द डम ऐसा प्रूफ हो गया था सबके नज़र में कि मतलब तुम सबसे वीकेस्ट पर्सन हो पूरे ग्रुप में। जो मुझे साबित करना था कि नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करने पे कभी भी लोग किसी भी टाइम पे सक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने अपना मेरा एक पर्सनल स्ट्रगल 9 मंथ्स का रहा, क्योंकि मैं जैसे सूची भी चली गई यहाँ से, फिर उसके बाद मैंने 9 महीने अपने आप को सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया। मतलब उस 9 मंथ्स में मैंने ना किसी से सिंगल बात किया होगा, ना मैंने कहीं घूमने गई होंगी। मेरी दुनिया एक रूम होती थी, मॉर्निंग में लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो करना है बस टाइम पे, और सिर्फ पढ़ना है। मतलब मैं सोती थी तो मुझे ये सपने आते थे कि लोग बोल रहे कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, और ये जो था ना, ये लाइक लिटरली वो गो थ्रू जो किया वो हेल्थ था। हाँ, पर जिस दिन मेरा जॉब हुआ, मेरी जॉब 2019-20 बैच वाले में हुई है जिसमें मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो वो जो था ना, वो मतलब लिटरली लाइफ में ऐसा लगा कि मतलब जितनी भी मेरी सफरिंग थी, जो मेरी हेल लाइफ बनी हुई थी, वो सारे मैंने ओवरकम कर लिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मुझे न्यूज़ मिला कि मेरी जॉब लग गई है। तो मेहनत मतलब यही कहना चाहती हूँ कि हार नहीं मानना है, और आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हार मान गए ना, और जहाँ तक बात है लोगों की कहने की, तो भाई लोग वह कहेंगे ही, ये बहुत ऑब्वियस है। और लोग ऐसे ऐसे कहेंगे जिनको कि आपसे कोई मतलब नहीं है, पैसा आपके फैमिली में फादर या मदर देंगे, बट दूसरे को मतलब होता है कि आप वीक हो, दूसरे आपको जजमेंटल होते हैं आपको लेके। तो ये सब चीज़ें भी मैं बहुत गो थ्रू की हूँ, बट ये सब कुछ भी नहीं है, इसको साइड रखना है और मेहनत करना है। मेहनत एट लास्ट मेरे अकॉर्डिंग दुनिया में अगर कुछ भी हासिल करना है तो वो आपकी मेहनत है, और मेहनत अगर आप करते हो। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, लाइक आई वॉज अ डमेस्ट पर्सन, मतलब लाइक एक लाइन में इंग्लिश नहीं बोल पाती, बट राइट नाउ आई कैन डील विथ एनी वन, नो प्रॉब्लम। मतलब लाइक मेरी GD हुई, PI हुई,
सब कुछ हुई और सारी चीज़ मेरी सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही थी और मैंने सब में क्वालिफाई किया और फाइनली मैंने ये जॉब लिया। तो ये नहीं है कि आप किस में वीक हो किस में स्मार्ट हो, बस मैटर ये करता है आप मेहनत कितना करते हैं। एट लास्ट जो मेहनत करते हैं वो सक्सेस लेते हैं और उसका लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। तो चलिए मैम का एक जो जर्नी रहा, इन शॉर्ट आपने मैम का जर्नी को देखा, आपने समझा। तो सबसे पहले मैम आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, तो आपका जो जर्नी का ड्यूरेशन रहा पढ़ाई से लेकर जॉब तक में, वो कितना टाइम लगा? मेरी 15 में ग्रेजुएशन हुई है और मुझे जो जॉब लगी है वो 19 में लगी है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स। और जैसे कि आपने स्टोरी में बताया कि आपके दोस्तों की जॉब लगते चली गई है ना, तो उस वक्त जब आपके दोस्तों का जॉब लगता चला जा रहा और आपका नहीं हो रहा है, तो आपने जैसे बोला कि फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया था आपका, खुद में ही वो सेल्फ बिलीव कभी कभी आदमी खो देता है, तो आप उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे रखी? उस वक्त आपका सबसे बड़ा सहारा क्या बना और कौन बना? मेरा उस वक्त का सबसे बड़ा सहारा था कि मेरे फ्रेंड्स ऑब्वियसली, मतलब अगर शायद वो 3 मेरे लाइफ में नहीं होते ना तो मैं गिव अप कर चुकी होती। बहुत बार ऐसा टाइम आया था जिस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और मैं लिटरली गिव अप तो कितना बार ऐसा, तो मेरे फ्रेंड्स फ़ोन करके बोलते थे बस उस दिन को याद रखो जिस दिन तुम्हारी जॉब होगी ना, ये सारा तुम्हारा सफरिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और लोग जो आज तुमको कमेंट कर रहे हैं ना वो तुमको अप्रिसिएट करेंगे। तो वो मेरा एक ही मोटिवेशन था कि जिन्होंने मुझ पर कमेंट किया है मैंने कभी जवाब नहीं दिया, ठीक है समय बताएगा, और लिटरली समय ने बताया। तो वो मोटिवेशन था कि दिखाना है लोगों को कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब हम डम नहीं है, ये प्रूव करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। क्योंकि जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है जो बहुत तेज है उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है कॉम्पिटिशन निकालना, पर जो मीडियोकर है और जो बिलो एवरेज है उनके लिए उस पेस में चलना मुश्किल है। तो उस पेस में चल के एंड देन कम्पीट करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके लिए जे हम इन ये बेसिकली अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो ऑब्वियसली जनरल कॉम्पिटिशन आपके लिए बहुत टफ नहीं है, पर जो मीडियोकर है लाइक मी, लाइक आई वॉज वेरी नॉर्मल स्टूडेंट, नॉट सो मच ब्राइट एंड ऑल, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट फैक्ट आई नो दैट आई विल अचीव समथिंग एंड आई हैव अचीव राइट नाउ। तो सो दैट्स वाई आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव अचीव समथिंग। और ऑब्वियसली मोटिवेशन वॉज माई फ्रेंड्स माई फैमिली, माई फादर नेवर टोल्ड मी डैट यू आर, मतलब मेरे पापा तो ऐसे थे कि तुम क्लर्क भी निकाल लो मैं बहुत खुश रहूँगा। मेरे पापा ने और मेरे मम्मा ने कभी मुझे एक परसेंट भी प्रेशराइज नहीं किया होगा कि, और सबसे बड़ी दूसरी मोटिवेशन थी कि जब भी मैं रिजल्ट नहीं होता 0.25 0.1, मतलब लाइक इस नंबर से मैं छूटी हूँ बहुत बार मेन्स और इंटरव्यू के बाद, तो मतलब मम्मी मेरे साथ रोई है। तो मुझे वो जो पेन था ना कि जिस वजह से मेरी मम्मी रोई है उसी आंखों में मैं खुशी दूंगी, और वो चीज़ जो था ना मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि नहीं एक दिन मेरी मम्मी को मेरे पे प्राउड होगा। और हाँ वो मोमेंट आया, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, तो उस चीज़ों वो चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग थी कि आपको करना है। सही बात है, ये बात बहुत सही है, लोग हमेशा पूछते हैं आप मोटिवेट होने के लिए क्या करते हो, तो मैं सबको एक ही सजेशन देता हूँ कि बाबू अपने माँ बाप की तरफ देखो, बस मोटिवेशन के लिए और कुछ चाहिए नहीं होगा, उनका चेहरा उनके आंख ही तो आपके लिए मोटिवेशन है ना। तो ये सेम चीज मोनिका जी ने भी कहा। मोनिका जी चलिए बहुत सीरियस टॉक हो गई, थोड़ी सी फनी साइड को लेते हैं। आपका जो जर्नी जब स्टूडेंट लाइफ में आप हमारे यहाँ डेविड्स करियर हब में पढ़ने आते थे, तो उस वक्त का जर्नी आपके लिए कैसा रहा, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के बीच बताइए, आपका तैयारी उस वक्त कैसा था और उसके बाद आपने तैयारी को कैसे पिकअप लिया। तो जो अभी के मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं जो अभी मान लीजिए क्लास कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि आपने उस वक्त क्या गलतियां की थी जो अभी के बच्चे ना करें, या आपने उस वक्त क्या सही चीज की थी जो आज वो बच्चे करें, तो जरा आपको बता सकते तो बहुत अच्छा होता। उस टाइम मेरा सबसे बड़ा गलती था आई वॉज वेरी कैजुअल, ठीक है जॉब हो गई तो हो गई, नहीं होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस अप्रोच से मैंने जॉब स्टार्ट किया और शुरुआती दौर पे सबसे ज़्यादा हम लोग गलती क्या करते हैं, सेट्स प्रैक्टिस करते हैं बट एनालाइज नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस किए जो नंबर आया आया नहीं आया नहीं आया, मतलब उसको, और जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे आप जिस पॉइंट पे हो उसी पॉइंट पे रहोगे। तो एनालाइज करना मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आप भले एक सेट बनाओ लेकिन उस सेट का एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो क्यों नहीं बना है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, हर एक सेक्शन को एनालाइज करना। और ये मैंने शायद जब इन तीनों को जॉब लग गई और मैंने अपने आप को एनालाइज किया, इंट्रोस्पेक्ट किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरे में जिसके वजह से मेरी नहीं हो रही है, क्योंकि
ऐसा तो नहीं है तीनों का एक साथ सब कुछ हुआ है, हम लोग कॉलेज भी एक साथ किए, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आके एक टीचर से पढ़े हैं, एक बेस मिला है, तो आके उन तीनों के पास जॉब है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो मुझे यही लगा रीजन कि वो लोग सब एनालाइज करते थे और डेट टाइम आई वॉज वेरी कैजुअल कि हो जाएगा ठीक है ना रहने दो, तो वो जिसके वजह से मेरी लेट भी हुई। फिर बाद में मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, सेट को प्रॉपर एनालाइज अगर आप करते हो ना तो आप जहाँ आज हो कल वहाँ से थोड़ा प्लस होगा, परसों थोड़ा प्लस होगा, उस प्लस करते करते एक दिन आप अचीव करोगे। तो वो सबसे बड़ा बैकफुट पे थे क्योंकि मैं एनालाइज नहीं करती थी कोई भी चीज़ों को। तो एक सजेशन ये रहा कि एनालाइज जरूर कीजिए। और इनकी स्टोरी से एक चीज और हमारे बचपन में जो पढ़ी हुई कहानियां है वो समझ में आती थी कि कहीं सुबह जल्दी होता है तो कहीं लेट से होता है, लेकिन होता जरूर है ना। तो इनकी भी कहानी कुछ इसी तरीके की रही कि चार दोस्तों का कहानी है जिसमें से कुछ दोस्तों का पहले हो गया, बच गए जो आखिरी। तो सबसे टफ वही होता है और वो थ्री इडियट वाला बात भी इन्होंने सही किया कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा जरूर लगता है, लेकिन दोस्त जब टॉप कर जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। तो इनके साथ ही वही हुआ, इनके दोस्त टॉप कर गए, एग्जाम्स में आगे बढ़ गए, लेकिन हाँ वही दोस्त सपोर्ट भी किए और वही दोस्त की वजह से आप आज यहाँ तक है। मेरे वीक मोमेंट में मतलब एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था जिस टाइम पे हम ऐसा बोल दिए थे लिटरली फोन पे कि हम मेरे जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, हम जा रहे हैं बस अब खत्म। फिर मेरे फ्रेंड्स ने समझाया और स्पेशली उस टाइम पे सुच्ची ने और चांदनी ने, मतलब मैं याद है मुझे मैंने खाना नहीं खाया था दिन भर क्योंकि मेरी रिजल्ट आई थी और मेरी जो इंटरव्यू में मतलब पॉइंट वन ये नहीं सॉरी एक नंबर से मेरी छूट गई थी फाइनल रिजल्ट। और आई वॉज लाइक कि मतलब अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा है ज़िंदगी में, क्योंकि इतना स्ट्रगल इतना मेहनत सब कुछ करने के बाद मेरे पास रिजल्ट नहीं है और एट लास्ट मतलब हम कुछ भी नहीं है मेरे पास और लिटरली मैं गिव अप करने वाली थी और मतलब सब कुछ उस दिन ये। लेकिन उस दिन मेरे अगर दो फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते ना, मतलब वो लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मुझे फ़ोन पे कि तू ठीक है, तूने खाना खाया प्रॉपर, उन्होंने खाना खिलाया मुझे वीडियो कॉल करके एंड ऑल, मतलब वो सपोर्ट। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट वन कि आई हैव फ्रेंड लाइक दैट। मतलब लोगों को ऐसी दोस्ती नहीं मिलती है, जो आपको दोस्ती ऐसी होती है कि जैसे वो आगे बढ़ते पीछे वालों को छोड़ देते हैं, बट मेरी एक ऐसी दोस्ती है जो आगे बढ़ने के बाद मुझे अपने और आज के डेट में मैं उन तीनों से बेहतर जॉब में हूँ। जॉब में मतलब है तीनों बैंकिंग में ही, बट बेहतर इन दैट सेंस मेरा PSB में है, दो ग्रामीण बैंक में, एक ICICI बैंक में है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आज मैं जहाँ हूँ उनका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न मेरे फ्रेंड्स भी है। तो एक और सजेशन है कि जब भी दोस्ती करो ना अच्छे लोगों से करो, ये एक बहुत दोस्ती अगर बुरे लोगों से है तो जिंदगी बेकार है, मतलब लाइक आप कभी आगे नहीं जा पाओगे। और आपके ग्रुप अगर अच्छी से है ना तो आप अगर वीक भी हो तो शायद आप अच्छा सोचने लगोगे और आप पढ़ने लगोगे। तो मेरा मैं बहुत वीक थी, मेरे को कभी पढ़ने में मन नहीं लगता था, लाइक मैंने कभी पढ़ाई को सीरियस लिया ही नहीं, मतलब पढ़ाई नाम का चीज़ मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट उन लोगों के साथ रहने के बाद मेरी सोच बदली, मैंने समझा कि नहीं पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो इसलिए कहते हैं दोस्ती हमेशा सही लोगों से करनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए। तो मैम ने बहुत अच्छा बात कहा, इस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कीजिएगा कि आपका जो संगति होता है वही आपका रंगति भी दिखता है और उसी से आपका भाग्य भी डिसाइड होता है। तो अपने जो ये टाइम होता है क्रिटिकल जो टाइम होता है आपका, जो करियर बनाने का समय होता है, अपना दोस्त बहुत सही बनाओ। जो दोस्त आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ाए उसके साथ रहो, जो दोस्त आपको मोटिवेट नहीं करते वो डीमोटिवेट करते हैं या आप में नकारात्मकता भर देते हैं उससे कृपया दूरी बना के रखिए। और जो आपके सच्चे दोस्त हैं दोस्त वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको समझेंगे। और जो दोस्त नहीं है वो तो नहीं है, वो तो वैसे भी साथ छोड़ना था, आज ही सही पहले ही सही। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि परिवार के साथ साथ एक दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके करियर को फाइनलाइज करने में, एक मंजिल तक पहुंचाने में। मुनिका एक बात और जो हम लोग हर स्टूडेंट से पूछते हैं, ये इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा आपके करियर बिल्डिंग फॉर्मेशन में? इंस्टीट्यूट में जब हम स्टार्ट किए थे तो डेबिट सर से मैथ स्टार्ट किए थे, मैथमेटिक्स ऑनर्स मेरी थी, बट जो प्रोसेस है डेबिट सर का वो बहुत शॉर्ट में बताते हैं। मतलब आप क्योंकि कंपटीशन में ना अब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं और मुश्किल से 20 मिनट्स मिलते हैं, आप एक क्वेश्चन पे एक मिनट भी नहीं दे सकते हो। तो अगर आपकी स्पीड नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर, और स्पीड तभी बनेगी जब आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड्स आएंगे। तो डेबिट सर का शॉर्ट ट्रिक मेथड्स मतलब लाइक ऑसम, मैंने आज तक कहीं भी बहुत सारे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्राई किया, देखा, सब जगह देखा,
बट उनके ऐसा शॉर्ट ट्रिक मेथड मैंने किन्हीं को नहीं देखा बताते हुए. वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मतलब लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर देते. तो मतलब मैंने आज तक ऐसा टीचर जिसको मैथ्स को एकदम वो खेलते हैं मैथ्स के साथ, तो वो चीज़ें बहुत उनका मतलब पर्टिकुलरली मैथ सेक्शन में ना मतलब ऑसम है. आज तक मैंने उनके ऐसा टीचर्स नहीं देखा है. मेरा बेस भी उन्हीं ने बनाया क्योंकि मेरी मैथ थी ऑनर्स, लेकिन मुझे बेस मतलब बनाने में एक क्वेश्चन मुझे आधा घंटा लगता था, तो आधा घंटा तो हमारे पास समय ही नहीं होता है. तो उन्होंने टाइम रिड्यूस कैसे करते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो, कैसे आप शॉर्ट पीरियड टाइम पे कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, उन्होंने वो सारा दिया. मतलब बेस हमारा अगर बनने का जो सबसे मेजर मैथ सेक्शन में तो डेबिट सर थे. इंग्लिश में आप चाहे कोई कितना भी पढ़ा दे, आप जब तक खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता है. इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आप जितना ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड करोगे, जितना समझोगे, और समझोगे तभी जब आप पढ़ोगे या जिसकी जो इंटरेस्ट है, मूवी देखना इंटरेस्ट है आप मूवी देखो, या फिर आपको इंटरेस्ट है नॉवल पढ़ने का तो इंग्लिश नॉवल पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो. जितना आप इंग्लिश को रीड करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी. इंग्लिश में कोई टीचर आपको कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो आपको ग्रामेटिकल बेस बता सकता है, उससे ज़्यादा इंग्लिश में कुछ भी नहीं है. जीएस लर्निंग है, जितना आप लर्न करोगे उतना सीखोगे. और रीजनिंग भी जो है बेसिक अगर आपको बता दिया गया तो प्रैक्टिस है. बस जितना प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, वो बात बहुत सही है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अचीव करोगे. तो मतलब अगर इस इंस्टीट्यूट का हम देखें तो मेरा जो बेस बना, क्योंकि 2015 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पूरे प्रॉपर 9 मंथ्स की जो क्लासेस होती है उसका पहले मैंने बेस बनाया, देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना जो भी कंपटीशन का एक्चुअल जो फोकस होता है, मतलब लाइक प्रैक्टिस. पहले बेस बनाना देन प्रैक्टिस करना है हमें. चलिए, तो ये तो मैम से हम लोग जाने कि बेस कैसे बनाना है और इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा. एक पर्सनल सवाल मैम आपसे कि जॉब मिलने के बाद एक इंसान का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है. तो अब जैसे 2020 में आपने जॉब किया, लगभग 3 साल हो गए जॉब करते हुए, कुछ ऐसा छोटा मोटा सपना जो आप लोग पूरा कर लिए हो जॉब के बाद? हाँ, जॉब के बाद आप बहुत मतलब खुल जाते हैं, मतलब यू आर लाइक ए फ्री बर्ड. आपको जो करना है आप करोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. स्पेशली गर्ल्स के लिए लॉट्स ऑफ बाउंड्रीज होते हैं, लाइक यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं. आप पैसा दूसरों से मांगोगे तो वो तो इम्पोज करेंगे कि यहाँ मत जाओ. मैं जैसी मेरी जॉब लगी, मैंने अपने लाइफ को मतलब अभी तक मैंने कम से कम 3 से 4 ट्रिप बना लिया हुआ फ्रेंड्स ग्रुप विथ नो रिस्ट्रिक्शन. मेरी जो डिमांड है, मेरे को जिससे जिस जहाँ जाना है जिसके साथ जाना आराम से. कहाँ कहाँ गए हो वैसे? मैं गोवा गई हूँ, मैं गैंगटॉक गई हूँ, मैं शिमला गई हूँ, मैं मनाली गई हूँ, मैं मसूरी गई हूँ. इस 3 पीरियड्स ऑफ टाइम में ये दोस्तों के साथ. घर से कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है घर से. बस ये होता है कि किन के साथ जा रहे हो आप, दोस्तों का नाम बता दिए, बात खत्म है. आपको जाना है, आपकी लाइफ है, आपको जो करना है करो. मतलब लाइक एक आपको अथॉरिटी मिल जाती है आपके लाइफ की, कंट्रोल की, जो दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं वो ख़त्म हो जाती है. हाँ, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत चीज़ों में घुस जाओ, सही चीज़ें करनी है, अपने को हमेशा सही रास्ते पे रखनी है. लेकिन हाँ, आप जो जेन्युइन चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाते हैं आपके साथ. आजादी का कतई ये मतलब नहीं कि आजादी का मतलब फुल आजादी, कुछ भी करें, कुछ भी करने की आजादी का सही गलत होता है. और ये हम लोग स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि आजाद जिंदगी अगर जीना है, अभी अगर लग रहा है तुम आजाद हो तो एक बार जॉब करके देखो, उसके बाद पता चलेगा आजाद जिंदगी होता क्या है, है ना? आप मतलब डिसीजन में आप डिसीजन मेकर बन जाते हो. घर में भी आपकी बात की वैल्यू होती है, स्पेशली गर्ल्स की. अगर आप सोसाइटी में देखो तो उनके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होती है घर में. मतलब वो कुछ भी बोले उसका कोई मतलब, वो साइड टाइप होते हैं, साइड रोल प्लेयर, जिनको जब बुलाया जाए तो आ जाओ वरना साइड हो जाओ. बट जैसे ही आपके पास जॉब होती है ना, तो आप एक इमेज क्रिएट करते हो, और सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप अपने जो आपसे जो छोटे भाई बहन है ना, उनके लिए भी एक सोसाइटी क्रिएट करते हो कि अगर ये कर रही है इसको देख के मोटिवेट हो, इनसे लेके सीखो. आप एक प्रेरणा स्रोत बनते हो किन्हीं के लिए भी. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों को स्पेशली ज़रूर मतलब अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए. क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरों का डिसीजन उन पर इम्पोज किया जाता है, वो चीज़ों से आप बहुत दूर हो जाते हो. तो इसलिए मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि स्पेशली लड़कों का क्या है कि वो कभी भी कोई भी स्टेज पे वो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. बट लड़कियों पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. आप ये नहीं कर सकते, एक सोशल स्टिग्मा है कि लाइक एक बना हुआ है बाउंड्री लाइन, आप इतना ही. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्काई इज द लिमिट, जितना आप चाहो उतना आगे जा सकते हो.
लेकिन हाँ, अगर आपके पास जॉब है ना, पर जॉब का कभी ये मतलब नहीं है कि आप हर एक अपने नाजायज चीजों को पूरा करने का कोशिश करने लगो। लड़कियों को ये चीजें, ये नहीं हम बोलते हैं कि आप करो, सब कुछ करो, जैसे मैंने बहुत ट्रिप किया, बट ये नहीं है कि आप उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सको। आप सही रास्ते से सही चीजों को करना है, अपने डिमांड को रखो, बट गलत वे में नहीं रखना है। ये नहीं कि बस मिल गया तो कुछ भी करना है, वो भी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये नारी सशक्तिकरण का एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने मोनिका जी आपको दिख भी रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान बताई है। यही होता है एक्सपीरियंस, कि जॉब करने के ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये कच्चा फल पक्का कैसे बन गया ये आप देखते हो। ये 3 साल में मोनिका, हम लोगों ने बहुत पहले से, मैं पर्सनली इसको बहुत पहले से जानता हूँ, और जो ग्रोथ मुझे दिखा है इनमें, जो एक बच्ची थी, बच्ची से मैच्योरिटी, और जिस मैच्योरिटी के साथ ये बात कर रही है, ये जॉब ही दिखाता है, और ये इसके फ्रीडम और इसके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। ये वो लड़की थी जो ज्यादा बात नहीं करती थी, कभी कभी शाई रहती थी, बोलती थी बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब आप खुद देख सकते हो कैमरा के सामने भी इनका कॉन्फिडेंस, इससे ही पता चलता है कि जॉब एक इंटरनल चेंज कैसे कर देता है एक इंसान के अंदर। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे लिए हमारी मोनिका रही हुई है, और ये एपिसोड में स्पेशली डेडिकेटेड करता हूँ उन गर्ल्स के लिए जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, रेस्ट्रिक्शंस रहता है उन्हें, बहुत प्रॉब्लम। हमारे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, सर ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा है, तो बहुत तरह का कंडीशंस हम लोग जनरली देखे हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के ऊपर रहता है। तो मोनिका की बातों को सुन करके उन लड़कियों के लिए ज़रूर ये एक मोटिवेशन रहा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से बहुत कुछ मोटिवेशन का बात आप लोगों को मिला होगा, बहुत ऐसी चीज़ें आप सीखे होंगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए, और चेंजेस कैसे आता है पर्सनालिटी में, लाइफ में, ज़िंदगी में, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज़, वो आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। तो ये रहा सेगमेंट हमारा सफल छात्रों से एक मुलाकात। बहुत जल्द मैं इनके बाकी 3 मित्रों को भी कैमरा के सामने लाने का कोशिश करूंगा, और उनसे भी उनके जर्नी के पलों का एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा। कोशिश ये रहेगी, एक्चुअल में सब बाहर रहते हैं, पोस्टेड है, तो एक साथ आ पाना मुश्किल है, लेकिन वो जैसे जैसे आते हैं तो हम लोग आप लोगों के पास उनका भी कहानी बहुत जल्द से जल्द, इन 3 दोस्तों का कहानी, ये लेके 4, ये पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तब तक यूँ अपना प्यार बनाए रखिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले सेगमेंट एक सफल छात्रों से एक मुलाकात में बहुत जल्द ही आप लोगों से। धन्यवाद।